नरसंहार। साथियों, एक बार फिर से मैं आपका सूत्रधार अनुज महाभारत युद्ध के पांचवे दिन का लेखा जोखा लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। अभी तक के युद्ध में मुख्य रूप से पांडव पक्ष ही प्रबल रहा। चलिए जानते हैं कि पांचवे दिन पांसा किसके पक्ष में गिरता है। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा, हर एक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, बाढ़ हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से करते थे गर्जन। घायल असरों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सरको जैसे भड़क भड़क। घनन घनन घन घोर घटा घिरती जाती थी छन छन में, बाढ़ कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में। उद्दंड चंदनी चंडी माँ के चरणों में नरबुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। इस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। प्रवीण शुक्ला ने इस कविता में भीष्म के पराक्रम और महाभारत की युद्ध को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। चौथे दिन शिविर में पहुंचते ही दुर्योधन ने भीष्म से पांडवों के प्रबल पक्ष के पीछे की वजह जाननी चाहिए। तब भीष्म ने नर और नारायण की उत्पत्ति की कथा दुर्योधन को सुनाई। इसके साथ ही भीष्म ने वचन दिया कि पांचवें दिन का युद्ध कौरवों के पक्ष में प्रबल साबित होगा। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने भी सेना में ऊर्जा का संचार बनाने के लिए सभी को उपदेश दिया। युद्ध भूमि वीरों का रक्त पीने के लिए एक बार फिर से प्यासी खड़ी थी। दोनों सेनाएं अपने अपने सेनापतियों के निर्देशों का पालन करने को तत्पर थीं। युद्ध के पांचवें दिन रणनीति में बदलाव करने का समय आ चुका था। अभी तक प्रयुक्त व्यूह रचनाओं को दोनों पक्ष भली प्रकार से समझ चुके थे। भीष्म ने पांचवें दिन के लिए मकर व्यूह का चयन किया तो पांडवों ने शयन व्यूह से उत्तर देने की ठानी। मकर अर्थात मगरमच्छ के आकार में पूरी कौरव सेना भीष्म के नेतृत्व में तैयार थी। वहीं शेन अर्थात बाज के आकार में युधिष्ठिर ने अपनी सेना को तैनात कर दिया था। युद्ध शुरू होते ही भीमसेन और अर्जुन भीष्म से जाकर भिड़े। तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना के संहार की कामना जताई। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को आश्वासन दिया और सात्यकी के संरक्षण के बाद भी पांडव सेना को क्षति पहुंचाने लगे। सात्यकी ने द्रोण का मार्ग रोककर उनसे युद्ध आरंभ कर दिया। द्रोण ने सात्यकी के गले पर हमला किया, तब भीमसेन ने सात्यकी की रक्षा की। लेकिन इस बात से शल्य भीष्म और द्रोण तीनों के क्रोध का सामना भीमसेन को करना पड़ा और तीनों योद्धाओं ने अपने तीरों से भीमसेन को ढक दिया। इसका उत्तर अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने दिया। शिखंडी ने उसी समय द्रोण और भीष्म का सामना करने की ठानी और इतने बाणों की वर्षा की कि सूर्य भी ढक गया। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और द्रोण तुरंत ही भीष्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े। द्रोण के सामने आते ही शिखंडी भयभीत होकर युद्ध छोड़कर चला गया। कौरव सेना की ओर से चिंगारते हुए हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों और शंखों की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। दोनों पक्षों से तीर के चलाए जाने से मस्तक कटकर ऐसे गिरने लगे मानो मस्तकों की वर्षा हो रही हो। दोनों ही पक्षों के सैनिक पूरे उत्साह से लड़ रहे थे। भारी संख्या में दोनों ओर के सैनिकों का वध हो रहा था। धूल के बादल चारों ओर छा रहे थे, लेकिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रकाश धूल के पार भी दिखाई दे रहा था। चारों ओर युद्ध पशुओं और धनुष की टंकारों की ध्वनि के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। शत्रुओं का वध करने के लिए योद्धा समरभूमि में दौड़ लगा रहे थे। कुछ युद्ध पशु अपने सवार के मारे जाने पर युद्ध भूमि में यहां वहां भाग रहे थे। इस बीच गांडीवधारी अर्जुन भीष्म की ओर बढ़ा। गांडीव का गर्जन सुनकर कौरव सेना पथभ्रष्ट हो गई और यहां वहां भागने लगी। अवंती नरेश काशीराज के साथ, जयद्रथ भीमसेन के साथ, युधिष्ठिर शल्य के साथ, विकर्ण सहदेव के साथ, चित्रसेन शिखंडी के साथ, द्रुपद चेकितान और सात्यकी द्रोण तथा अश्वत्थामा से भिड़ गए। ऐसा भीषण युद्ध छिड़ा कि बादलों के बिना ही बिजलियां चमकने लगीं, बाण उल्काओं की तरह धरती पर गिरने लगे, जोरों की आंधी चलने लगी। भीष्म ने भयंकर हाहाकार मचा रहे भीमसेन पर तीखे बाण मारकर उसे घायल कर दिया। ये देखकर सात्यकी भीमसेन की रक्षा के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भीष्म ने उसके सारथी को मार दिया।
इसके उत्तर में पांडव सेना के कई वीर भीष्म से युद्ध करने आगे आए। दूसरी ओर अश्वत्थामा और अर्जुन के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण को घायल कर दिया, जिससे क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का कवच बीन डाला। लेकिन अपने गुरु का पुत्र होने के कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया। अभिमन्यु ने धृतराष्ट्र के पौत्र लक्ष्मण को बुरी तरह घायल कर दिया और उसके सारथी को भी मार दिया। कृपाचार्य ने आगे बढ़कर लक्ष्मण को अपने रथ में बिठाया और वहां से ले गए। सात्यकी के 10 पुत्रों ने एक एक करके भूरिश्रवा पर हमला किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। ये देखकर सात्यकी अत्यंत क्रोधित होकर भूरिश्रवा से भिड़ गया, परंतु सात्यकी भी भूरिश्रवा के हमले नहीं झेल पाया और कुछ ही समय में रथविहीन हो गया। भीमसेन ने समय रहते सात्यकी को अपने रथ पर बैठा लिया। इसी के साथ युद्ध विराम की घोषणा हो गई और दोनों सेनाएं छत विक्षत हालत में अपने अपने शिविर लौट गईं। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का सामना किया, कोई भी पक्ष प्रबल नहीं रहा। प्रवीण शुक्ला की कलम से। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उस वीर की शरणित धारा से तन भूखा लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। साथियों, तो इस तरह महाभारत युद्ध का 5वां दिन समाप्त हुआ। यदि आप भी बच्चों को महाभारत युद्ध से परिचित कराना चाहते हैं तो playrunbhoomi.com और Amazon से रणभूमि कुरुक्षेत्र बोर्ड गेम खरीद सकते हैं। आपसे भेंट होगी अगले बुधवार, तब तक के लिए धन्यवाद।